ठीक है। जयराम जी, चतरा में आपका पहला कार्यक्रम, क्या कहेंगे चतरा के लोग? चतरा प्रखंड में पहला और चतरा जिला में कुल मिलाकर तीसरा है, और यहाँ आने का कारण था बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो लगातार जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो जन जागरूकता के लिए आए हैं, और साथ ही साथ 2024 का चुनाव होगा उसके लिए निवेदन करने आए हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, केंद्र को हम लोग ये प्रश्न करेंगे कि विस्थापन नीति कहाँ है उसके नाम पर वोट किया जाएगा। आज मान के चलिए, तो मुझे थोड़ा बात को रखने का मौका दीजिए, आज अगर 321 गांव फील्ड फायरिंग रेंज में, 67 गांव भारत माला प्रोजेक्ट में, 12 गांव रेल परियोजना में, इतने गांव अगर भारी मात्रा में विस्थापित हो जाएंगे तो इतनी बड़ी आबादी को कहाँ शिफ्ट करेंगे? दूसरी बात, जो भारत माला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो बनारस से कलकत्ता जाएगी, तो ये सड़क किसके लिए, एक सवाल हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता मेरा घर तो चाची होते हुए बरोडा होते हुए जा चुकी है, जो लगभग 1200-1300 किलोमीटर है, ये 600 किलोमीटर का होगा, तो ये दूरी बचाना, समय बचाना किसके लिए? कोई किसान उस पर अपनी गाड़ी लेकर नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट से नहीं, पूंजीवाद। तो क्या भारत के संविधान में कहीं पूंजीवाद का जिक्र है? जी नहीं, भारत के संविधान प्रीएम्बल में समाजवाद का जिक्र है। अतः हम देश में जो हुक्मरान बैठे हैं उनको हम यही कहेंगे, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, आपको जमीन चाहिए ना, लीजिए ना भाई, किसने मना किया है, हमको जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, क्योंकि आप जो पैसा हमको देंगे, मान के चलिए कहीं 3000 रुपया डिसमिल लगा है, अगर 3 लाख प्रत्येक एकड़ में, यानी 5 एकड़ में 15 लाख, अगर हमको पूरा जमीन मेरा चला गया योजना में, हमको 15 लाख मिला, तो अगर हम रांची टाउन, हजारीबाग टाउन, ये कहीं जाके नया घर खरीदेंगे तो कम से कम 3 लाख डिसमिल, यानी हम और दोबारा 5 डिसमिल भी जमीन नहीं ले पाएंगे उस पैसे से। तो मानवता की सोची जाए, क्या हमेशा कॉर्पोरेट की सोची जाएगी, हमेशा अडानी अंबानी की सोची जाएगी, मानवता की सोची जाए, और केंद्र को सबसे पहले बेहतरीन विस्थापन नीति हो, और है भी तो झारखंड के लिए क्यों नहीं है, एक बेहतर नीति हो, जितना भी जमीन लिया जाएगा उनको विस्थापित किया जाए, उनको 5 किलोमीटर की दूरी में बसाया जाए, जहां सरकारी जमीन है या फिर जो ग्रामीणों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसे जमीनों में बसा जाए, हम इसकी मांग करते हैं। आप आम चुनाव में भी आएंगे? जी हाँ, मुझे लगता है जब रासलीला करने वाले लोग विधायक होते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो हम लोग तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, छात्र हैं, संविधान की धाराओं को पानी की तरह पीते हैं, जीते हैं, उसके साथ सोते हैं, हमें आना चाहिए। डुमरी उपचुनाव में क्या होगा सर? देखिए, डुमरी उपचुनाव, चूंकि मेरा मानना है हम लोग 2024 की रट लगाए हैं, 24 यानी पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, तो चुनाव एक ऐसा समय खाली हुआ है जब किसी का देहांत हुआ है, हम लोग नहीं चाहेंगे युवा एक ऐसी सीट से अपना उद्घाटन करे जहां किसी की मृत्यु हुई, अगर भ्रष्टाचार पे भेंट चढ़ता सीट हम लोग आते, वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु का मामला है, हम लोग मृत्यु पर कदम रख के अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं करेंगे। हम लोग न्यूट्रल है, हमारे जनता जनार्दन को सीधा संदेश होगा कि 7-8 महीने का कार्यकाल बचा है, आप नोटा में जाए, तीसरे के साथ जाए, चौथे के साथ जाए, जिसके साथ जाए, 24 में हम लोग मजबूती के साथ आएंगे, और बकायदा जो उत्तरी छोटा नागपुर है, डुमरी उसका केंद्र बिंदु है। बीजेपी इंडिपेंडेंस लड़ेंगे या किसी के साथ समझौता होगा? नहीं, समझौता नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, उसके बाद जनता को रायशुमारी के लिए सौंपेंगे कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, स्थानीय सांसद नहीं होने का कारण क्या है कि हमारे लोगों की जो मेंटेलिटी है, हमारे लोग कभी पॉलिटिक्स को सोचते नहीं, बिजनेस को सोचते नहीं, उसी का दुष्परिणाम है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन गैर राज्यों के, बड़े बड़े एमपी जहां है वो गैर राज्यों के सभी हैं, हजारीबाग के एमपी हमारे नहीं, धनबाद के एमपी हमारे नहीं, गोड्डा के एमपी हमारे नहीं, रांची के एमपी हमारे नहीं, चतरा वाले हमारे नहीं, पलामू के हमारे नहीं, 6 गो जब हमारे नहीं तो झारखंड में 14 गो सीट है। कब तक पार्टी का गठन कर लेंगे आप? चूंकि दादा हम लोग अभी अंकुरित हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र हमारे ऊपर है, इसलिए हम अंदर खाने तैयारी शुरू कर दिए हैं, और जब भी मैदान में आएंगे भूचाल मचाते हुए आएंगे और बेहतर तरीके के साथ आएंगे, बकायदा आप लोग का आशीर्वाद है, हम लोग बेहतर तैयारी में। चतरा है? बिल्कुल, चतरा सबसे पहले है, केबीसी में सवाल है, सबसे पहले है। क्या हम इतने खुदगर्ज हैं, ये हमें इतनी जरूरत नहीं कि यहाँ का बेटा 70 सालों के इतिहास में एमपी ना बन सके? जब एमपी नहीं बनेगा तो नीति नियम कौन बनाएगा, हमारी बातों को संसद में रखेगा कौन? इसीलिए सबसे पहले चतरा में ही होगा, चतरा में ही पहाड़ी को स्टॉप। आप आए हैं, खिलाएंगे, नचाएंगे, हंसाएंगे, सांसद तो माटी का बेटा को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद दादा।